जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के विषय में। दोस्तों अगर आपने इसका नाम सुना है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है, इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत आपको कब और कहाँ पर पड़ती है, और कैसे आप इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपने लिए बनवा सकते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसकी फीस है, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो ये प्रूफ करता है कि आप उस जगह के निवासी हैं जहां आपने दिखाया हुआ है डॉक्यूमेंट में। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप अपने एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी ले सकते हैं, जो कि ये प्रूफ करता है कि आप इस एड्रेस पर रहते हैं, आप इस एड्रेस के निवासी हैं। दोस्तों यहां पर अगर किसी भी एरिया में या किसी भी जगह पर आप 15 वर्षों तक लगातार रहते हैं, तो फिर वहां के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये होता इसलिए है कि आपके एड्रेस को प्रूफ कर सके, लेकिन इसका यूज कहां पर किया जाता है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, यानी कि जैसे आपके स्कूल हो गया, आपके कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसी जगहों पर जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, वहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहां पर आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना हो, वहां पर आप इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को दे सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप अपने लिए कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यूपी की अपनी एक अपनी वेबसाइट है जहां से आप डोमिसाइल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको SDM ऑफिस या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन फॉर्म वहां पर जमा कराना होता है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमको चाहिए होते हैं एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए। दोस्तों सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें सबसे जो हमारा आम तौर पर डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है वो है आधार कार्ड। इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। दोस्तों एड्रेस प्रूफ आपको ऐसा रखना है जिस एड्रेस पर आप कंटिन्यूअस रह रहे हो, यानी कि आपके जो राशन कार्ड है, आपका जो बिजली का बिल है, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, आप उसको एज ए एड्रेस प्रूफ वहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी गांव के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप उस गांव के प्रधान पर अपना एक कह सकते हैं लेटर पैड पर उस एफिडेविट को बनवा सकते हैं, जो ये डिसाइड करेगा कि आप उस गांव के निवासी हैं। इसके अलावा आपका एक फोटोग्राफ यहां पर लगता है, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर अटैच होकर आता है। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है, इनको देकर आप अपना एक नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि फीस कितनी लगती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की फीस ज्यादा नहीं है। इसमें आपको 100 से 200 रुपए के बीच में कहीं पर भी आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके उसको बनवा सकते हैं। दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।